गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न विथ मी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को भी हम 4 से 5 पार्ट में कवर करेंगे। इसमें 2 से 3 टाइप की सीरीज़ पढ़ेंगे हम। पहली है हमारी अल्फ़ा सीरीज़ आएगी, दूसरी हमारी नंबर सीरीज़ आएगी, और तीसरा हमारा मिसलिनिया सीरीज़ आएगी। मिसलिनिया सीरीज़ में हम अल्फ़ा प्लस नंबर प्लस सिंबल तीनों से रिलेटेड सीरीज़ हम कवर करेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ एग्ज़ाम में हमेशा प्री में पूछी जाती है, वो भी 1 मार्क्स की या 5 मार्क्स की, और कभी कभी दोनों पूछ ली जाती है, 1 की भी आ जाती है और 5 की भी आ जाती है। ये मेंस के एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर को, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ को। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड और RHS राइट साइड। हमारा जो लेफ़्ट साइड है वही एग्ज़ामिनर का लेफ़्ट साइड है, हमारा जो राइट साइड है वही एग्ज़ामिनर का राइट साइड होता है। इसमें 2 वर्ड्स निकल कर आते हैं जिनका नाम है फ्रॉम और टू। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग होगा वहाँ हमें फ्रॉम लिखा हुआ दिख जाएगा। जहाँ फ्रॉम लिखा हुआ दिख गया वहीं से हमें स्टार्ट करना होगा, वहीं से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। टू मतलब वहाँ तक का हमें जाना है, और उस वर्ड को छोड़कर एक्सेप्ट, ठीक है। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टू मतलब एंडिंग पॉइंट, और उसे एक्सेप्ट करके, ठीक है। फ्रॉम से ही काउंटिंग हमारी स्टार्ट होगी, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। और एक जैसे मैंने एक ले लिया ABCDE, मैंने बोला आप लोगों से लेफ़्ट साइड से जो 5th नंबर पे आता है उसके लेफ़्ट के 3rd नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहेंगे 5 लेफ़्ट साइड से 3rd नंबर पे आता है, इसके 3rd लेफ़्ट पे 1 2 3 3rd लेफ़्ट पे कौन आ रहा है, B। ये तो हम छोटी सी सीरीज़ में निकाल लेंगे, बट जब हमें A से लेकर Z तक लिखी रहेगी तो हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ही कम टाइम रहता है और इतने कम टाइम में हम इसे लिख कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं जो कि मैं आप लोग को नोट करवा देती हूँ। 4 फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसे आप याद रखिएगा और इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जैसे From LHS to RHS, जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम ऐड करेंगे, जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तब भी हम ऐड करेंगे, और जब हम लेफ़्ट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब भी हम राइट से राइट की तरफ जाएंगे तो भी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम LHS टू RHS, जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ऐड करेंगे, राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो भी ऐड करेंगे, बट लेफ़्ट लेफ़्ट माइनस, राइट राइट माइनस, सेम है। L और L मतलब माइनस, R और R सेम है मतलब माइनस, और लेफ़्ट और राइट प्लस, और राइट और लेफ़्ट भी प्लस, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला, आप इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो चलिए अब हम हमारे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि इन फॉर्मूले का यूज़ हम किस तरीके से सॉल्व, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन ये रहा, विच लेटर इज 5th फ्रॉम लेफ्ट और 14th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें के बाएं 5वें पे कौन सा लेटर आएगा, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा जैसे क्वेश्चन पे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये मैं आप लोग को 2 तरीके से करके दिखा रही हूँ। एक ये है, ये बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए हम इस ट्रिक को नहीं अपनाते हैं, इसीलिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ इसीलिए किया जाता है कि हम हर क्वेश्चन पे ऐसे लिख के नहीं बैठ सकते, हम काउंट करके हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और फॉर्मूले से हम कुछ ही सेकेंड्स में हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट साइड से 14th बोला है तो राइट से 14th कैसे निकालूंगी मैं, आप लोगों को मैंने बताया था 14 लेफ्ट साइड से होता है n, n का अपोजिट होता है m,
तो 14 राइट साइड से क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। तो एम हमने ले लिया। ये आप लोगों को जो हम मेरी पहली सीरीज़ वीडियो नहीं देखे होंगे उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जाकर पहले इन वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये सब बहुत आसानी से आ जाए और आप इसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए, ये एम आ गया हमारा 14th राइट साइड से, उसके लेफ्ट पे 5th, 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा एच। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एच। ये तो रहा एक तरीका। अब दूसरा तरीका हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले से, जो कि बेस्ट है, ठीक है। मैंने लिखा फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से कितना है 14, मुझे हमेशा मेरी काउंटिंग करनी है राइट साइड से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था, मैंने आप लोग को बताया था फ्रॉम जहाँ से लिखा रहेगा वहीं से हम हमारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में राइट फ्रॉम राइट हैंड साइड लिखा है, तो राइट साइड से ही हम हमारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगला है हमारा लेफ्ट साइड से 5th, मैंने बताया अपोजिट है आर एल, सेम नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा प्लस, राइट और लेफ्ट प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 14 प्लस 5 14 और 5 19। 19 किसका होता है, एस का होता है, बट ये होता है लेफ्ट साइड से, तो एस का पेयर क्या होता है, हैंडसम एस एच, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, एच, ठीक है। एच हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, क्योंकि एस और एच का पेयर बनता है हैंडसम से, और एच इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले से हम कितनी आसानी से कुछ ही सेकेंड्स में इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच लेटर इज थर्ड एट राइट ऑफ 12th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें के दाएं तीसरे पे कौन सा लेटर होगा, राइट फ्रॉम राइट लिखा है क्योंकि, तो राइट ही लेंगे हम 12th। ये ध्यान बहुत रखना है कि हमारी काउंटिंग कहाँ से हो रही है, क्योंकि अगर राइट साइड से हो रही तो हमें राइट हैंड साइड से काउंट करना पड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड से हो रही तो हमें लेफ्ट साइड से काउंट करना पड़ेगा, और काउंटिंग में अगर हमने गलती कर दी तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस फ्रॉम को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट साइड से हमें करना है इसके थर्ड राइट पे, मतलब राइट राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम है, 12 में से 3 गया 9, 9 किसका होता है, आई का, ठीक, पर आई इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट साइड से आई का होता है 9 और हमें निकालना है राइट साइड से। तो इसका कैसे निकालूंगी मैं, लेफ्ट साइड से आई है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से मैंने आप लोग को याद कराया था कि आई की पेयर होती है आर, तो राइट साइड से आई की वैल्यू की, राइट साइड से इसका आंसर कितना हो जाएगा आर, ठीक है, समझ आ रहा है। राइट साइड से 9th नंबर पर कौन सा आएगा आर, राइट साइड से 12th के राइट पे थर्ड पे कौन सा लेटर आएगा आर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच लेटर इज 7th एट लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से 18वें के बाएं 7वें पे कौन सा है, वही लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 7, सेम है तो हो जाएगा माइनस, 18 में से 7 गया हो जाएगा 11, 11 निकालना है मुझे लेफ्ट साइड से ही, लेफ्ट साइड से 11 है, मतलब लेफ्ट साइड से 11 किसका रहता है, के का, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा के, ठीक है, इससे हम आसानी से सॉल्व कर पाए। वही अगर मैं ऐसी सीरीज लिखने बैठ जाती, फिर काउंट करती 18 18 आता आर पे, उस पे 7 माइनस करती, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता, इसलिए हमें ये ट्रिक नहीं अपनानी, हमें इससे सॉल्व करना है फॉर्मूले से। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, इफ़ द लेटर्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब ये कह रहा है कि अगर ए से लेकर हम जेड तक की सीरीज लिखते हैं, अगर मैं जेड से लेकर ए लिख दूँ, मतलब जो हमारी काउंटिंग वैल्यू रहती है RHS वाली वैसे लिखूँ, तो विच विल बी द 8th लेटर ऑफ राइट, राइट से 8th फ्रॉम द 17 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से 17, लेफ्ट साइड से 17 के राइट के 8th पे कौन सा लेटर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 25 तो हमारा है लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से क्या हो जाएगा हमारा 25 बी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बी, क्योंकि वाई का अपोजिट होता है हमारा बी, बॉय से मैंने आप लोग को याद कराया था, आई होप सो कि आप लोग को क्लियर होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इफ़ द सेकेंड हाफ
ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी द 10th फ्रॉम लेफ्ट 25th फ्रॉम लेटर फ्रॉम लेफ्ट। क्या बोल रहा है इसमें कि जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है ए से लेकर जेड तक की, तो टोटल कितने लेटर्स होते हैं 26। अब इसे बोल रहा है कि इसके आधे को मतलब एम तक का 13, इसके बाद एन से जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है उसे बोल रहा है कि पलट दो, मतलब एम के बाद जेड आ जाए, फिर वाई आए, फिर एक्स आए, ऐसे करके एन लास्ट में आ जाए। ठीक है भाई, सेकेंड हाफ था जो हमारा फर्स्ट हाफ, तो क्या हो गया 13 तक का, सेकेंड हाफ फिर 13, मतलब टोटल 26 आ गए। तो जो 13 थे यहाँ से लेकर 13 तक का वो एज इट इज़ रहे, और क्या करें अगला जो 13 है उसको हम रिवर्स कर दें, मतलब एन से लेकर जो जेड रहता है उसे हम जेड से लेकर एन लिख दें। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 10th लेफ्ट फ्रॉम 25th लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट से, 25 के लेफ्ट पे 10th पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, अब मैं इसे पूरा सीरीज़ लिख के सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी लेफ़्ट से 25 और लेफ़्ट से 10, लेफ़्ट लेफ़्ट है सेम सेम, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 10 गया, मेरा कितना आ गया 15, और बोला किस साइड से है लेफ़्ट साइड से, तो मैं कैसे निकालूँगी लेफ़्ट साइड से 15 कैसे निकालूँगी, लेफ़्ट साइड से मुझे पता है 13 तक का, तो ये हो गया ये 14 और ये 15, पता चल गया आंसर क्या आएगा वाई। कैसे पता चला, ए से लेकर एम तक 13, फिर मुझे जेड से एन लिखना है, तो ये 13 तो हो गया, जेड आ गया मेरा 14, तो 15 क्या आ गया मेरा वाई। इससे मैं इजिली सॉल्व कर सकती हूँ, बट अगर मैं इसे ऐसे लिखने बैठ जाती है अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जेड वाई एक्स ऐसे याद कर करके मुझे पूरा लिखना पड़ता, उसके बाद में कि सॉल्व करती तो मुझे कितना टाइम वेस्ट हो जाता मेरा, इसलिए मैंने फॉर्मूले का यूज़ किया और इससे मैं आसानी से सॉल्व कर पाई और मेरा आंसर कितना आ गया वाई। ए से लेकर एम तक मैंने लिख लिया, लिखा भी नहीं मैंने, सिर्फ इसका एक बार हाफ ऑफ लिख लिया ऐसे कि ए से एम और एन से जेड था, तो ये जेड से एन हो गया, जेड के बाद वाई, मतलब वाई मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अब हमारे छठवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 9th साइड की काउंटिंग कहाँ से होगी, आर से होगी भाई, राइट साइड से, उसके लेफ्ट पे 7th पे जो लेटर है इन लोग के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट से जो 7th है, लेफ्ट से 7th क्या आता है जी, मैंने आप लोग को याद करा था जी एज घर 7-8 करोड़, मतलब जी का 7 आ गया जी, और क्या बोल रहा है राइट साइड से 9th, राइट से 9th, लेफ्ट से 9 क्या आता है आई, आई अपोजिट आर का इंडियन रेलवे से, तो आर आर हो जाएगा हमारा राइट साइड से 9th। ठीक है, अब बोल रहा है कि जी और आर के बीच में कितने लेटर आएंगे, जी और आर के बीच में कितने लेटर आएंगे पूछ रहा है वो, तो एक तो तरीका है कि हम पूरा जी एच आई जे ऐसे लिख के फिर काउंट करें, पर वही इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आप लोग को इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, तो चलिए चलते हैं हमारी उस ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है मेरी, ट्रिक ये है, मैंने बोला जी से आर, जी की प्लेस वैल्यू है 18, ए सॉरी आर की प्लेस वैल्यू है 18 और जी की प्लेस वैल्यू 7, दोनों को मैंने क्या कर लिया माइनस कर लिया, क्योंकि मैं ले रही हूँ इधर से भी लेफ्ट का और इधर से भी लेफ्ट का, हमेशा मुझे लेना है लेफ्ट साइड से, जी की 7 है और आर की 18 है, 18 में से 17 गया, 18 में से 7 गया, कितना बचा मेरे पास 11, अब जो भी हम माइनस करके हमारे पास जो वैल्यू बचेगी बस उसमें से मुझे एक माइनस करके लिख देना है, वही मेरा आंसर होगा जी आर 7 18, 18 - 7 इज इक्वल टू 11, 11 मेरा आया, बस उसमें मुझे 1 माइनस कर देना है, कुछ भी वैल्यू आए उसमें मुझे 1 माइनस कर देना है, बचा क्या मेरा 10, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, तो देखते हैं अब हम चेक करके कि मैंने जो बताया वो सही है भी या नहीं, तो चलिए चेक करते हैं, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसके और इसके बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हमारी ये ट्रिक बिल्कुल फॉलो कर रही है, दोनों सेट का मुझे
नंबर वैल्यू लेना है, नंबर वैल्यू को माइनस कर लेना है, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसमें मैं 1 माइनस करना है, वही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आई होप सो कि यह ट्रिक आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इन द वर्ड इंग्लिश हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम बोथ साइड। क्या कह रहा है कि इंग्लिश नाम का जो वर्ड है, इस वर्ड में लेटर के मतलब इन अल्फ़ाबेट्स के ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि हम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी सी एफ जी ऐसे करके कुछ मैंने लिखा, तो ए और सी के बीच उतना ही है जितना कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, ये मान लो एक वर्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। और बी और सी के बीच भी एक भी नहीं आता है, इसमें भी एक भी नहीं है, ए और बी के बीच भी एक भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं है, ये पेयर बन गए तीन, ठीक। सी और एफ़, सी और एफ़ नहीं लेंगे क्योंकि सी के बाद डी आता है, ई आता है, तो एफ़ नहीं आएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ई सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करूँगी, ऐसे मैं चेक नहीं कर सकती, क्यों नहीं चेक कर सकती मैं करूँ ई एफ जी एक मिल गया, एन ओ पी क्यू आर ऐसे नहीं मिल रहा है, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करके देखूँ बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। मैं क्या करूँगी इसके लिए, सबसे पहले मैं ये वर्ड लिखूँगी इंग्लिश, इंग्लिश के बाद मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिख लूँगी, 5, 14, 7, 12, 9, 19, 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इंग्लिश मैंने जब लिख लिया इसकी प्लेस वैल्यू, अब मुझे नंबर से काउंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट से मुझे काउंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि कैसे हम करेंगे, ई एफ जी तो मैंने कर लिया, फिर एच आई ये दो बना, जे के, फिर एन ओ पी वापस चेक करूँगी, फिर जी से आ जी एच आई, फिर एल के बाद एम एन ओ, फिर वापस से भी मुझे करना है, इधर से तो कर लूँगी मैं, वापस से मुझे करना है, तो कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, नंबर लिख लूँगी, ठीक है, 5, 6, 7 हो रहा है क्योंकि इसकी जगह 6 हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी आता है और इस पर भी आता है, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, दो पेयर मिल गए हमें। फिर 9 के बाद 10, 11 आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, मैं 14 से चेक करूँगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं आ रहा है, 7 के बाद 8, 9 एक और मिल गया मुझे, 8, 9, 10, 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, 12, 13, 14, 15, 9, 9, 10, 11, 9, 19, 20 नहीं। अब मैं इस तरफ से चेक कर ली, अब मैं इस तरफ से आऊँगी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिल रहा मुझे कुछ भी, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला कुछ भी, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं मिला कुछ भी, 12, 13, 14 मिल गया एक और पेयर, 12, 13, 14, 15 नहीं, 7, 8, 9, 14, 15 नहीं, मतलब कितने पेयर मिल रहे हैं मुझे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, मतलब इस कोश इंग्लिश वर्ड में ऐसे 4 पेयर हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितने के आते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, ठीक है। एक वर्ड और ले लेती हूँ, जैसे मैं एडजस्टमेंट, मैंने लिया ए डी जे यू एस टी एम ई एन टी, 1, 4, 10, 21, 19, 20, 13, 5, 14, 20, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिला क्या मुझे, कुछ नहीं मिला। अब मैं 4 से चेक करूँगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिला क्या कुछ नहीं, अब मैं 10 से चेक करूँगी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मिला क्या कुछ नहीं। अब मैं 21 से चेक करूँगी, 21 के बाद 22 इसमें तो कुछ बड़ा दिख ही नहीं रहा, मतलब नहीं, 19 के बाद 20 एक पेयर मिल गया मुझे, 21 है क्या कुछ नहीं, मतलब नहीं, 20 से ऊपर नहीं, 13, 14, 15, 16 नहीं, 5 के ऊपर 14, 20 नहीं, 14, 20 नहीं, वापस जाना है, मैंने इधर से कर लिया, अब मैं इधर से करूँगी, मतलब 20 के ऊपर कुछ संख्या है क्या, नहीं, 14 के ऊपर है, हाँ है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिल रहा है मुझे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक मिल गया मुझे, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 11, 12 नहीं है, 13 के बाद 14, 15, 16 कुछ भी नहीं है, 20 के बाद 21, 22 नहीं, 19 के बाद 20 नहीं,
21, 22 नहीं, 21 के बाद 22, 23, 24 नहीं, 10 के बाद भी नहीं, मतलब कितने पेयर मिले मुझे, दो पेयर। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये पूछा जाता है एक मार्क्स का। और एक जब हम 5 नंबर वाली ऐसे सीरीज़ पढ़ेंगे, अल्फ़ा सीरीज़, नंबर सीरीज़ और मिसलिनिया सीरीज़, इससे हमें 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगली क्लास में। मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी अल्फ़ा सीरीज़, तो हम उसी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।